अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10 की केमिस्ट्री में आज हम यूनिट 15 इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री 2 वाटर स्टार्ट करेंगे। आज के टॉपिक में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, वाटर मॉलिक्यूल क्या है? आप सब जानते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल हमारे पास दो हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। वाटर का हमारे पास फॉर्मूला है H2O, जिसमें दो हाइड्रोजन एटम कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू एक ऑक्सीजन एटम के साथ बॉन्डेड होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड को हम डिफाइन कर सकते हैं द टाइप ऑफ बॉन्ड विच इज़ फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू बॉन्डेड एटम, यानी कैसा बॉन्ड जिसमें दोनों बॉन्डेड एटम जो है वो एक एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करें। तो इस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के रिजल्ट में जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को आयोनिक बॉन्ड कहा जाएगा। अब हमारे पास जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो दो तरह का है, एक है पोलर और एक है नॉन पोलर। अगर हमारे पास शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो और जो बॉन्डेड एटम हो वो सेम हो, यानी कि जो होमो एटम और एटम के दरमियान हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड बने वो नॉन पोलर कहलाता है, यानी कि जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ना हो वो बॉन्ड हमारे पास नॉन पोलर कहलाता है। लेकिन अगर हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड टू हाइड्रो एटम के दरमियान बने और अगर उनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो तो वो बॉन्ड क्या कहलाएगा? वो पोलर बॉन्ड कहलाएगा। चूँकि वाटर मॉलिक्यूल हमारे पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा है तो ये कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास पोलर बॉन्ड है। तो वाटर हमारे पास क्या है? वाटर हमारे पास एक पोलर मॉलिक्यूल है। इसके साथ साथ बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल जो आपस में बॉन्डेड होते हैं वो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड होते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर को, कि हमारे पास वाटर की कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्टेट ऑफ वाटर की, कि वाटर हमारे पास किन किन स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है। वाटर हमारे पास ओनली सब्सटेंस है जो कि अर्थ में ऑल थ्री फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, यानी कि वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में भी, सॉलिड फॉर्म में और गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। लिक्विड फॉर्म हमारे पास ये पानी के फॉर्म में पाया जाता है, सॉलिड फॉर्म में हमारे पास आइस की फॉर्म में पाया जाता है, जबकि वेपर्स फॉर्म में हमारे पास, गैस फॉर्म में हमारे पास वेपर या फिर स्टीम की हालत में पाया जाता है। तो वाटर हमारे पास इन तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। हमारे पास जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं वो कॉन्स्टेंटली मूविंग करते हैं। अब इनकी जो मूवमेंट है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा इनकी मूवमेंट भी ज़्यादा होगी। चूँकि टेम्परेचर इंक्रीज करने से मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इनकी मूवमेंट भी इंक्रीज हो जाती है। तो इन टेम्परेचर इंक्रीज करने से वाटर मॉलिक्यूल की जो मूवमेंट है वो भी इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास वाटर की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो हमारे पास है फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? ऐसा टेम्परेचर जिस पे कोई भी सब्सटेंस फ्रीज होना शुरू कर देता है उस टेम्परेचर को कहा जाता है फ्रीजिंग पॉइंट। वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है, यानी कि ऐसा टेम्परेचर जिस पे वाटर जो है वो आइस बनना शुरू कर देता है, वो हमारे पास है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट हमारे पास है वाटर की बॉइलिंग पॉइंट, कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ऐसा टेम्परेचर जिसमें कोई भी लिक्विड सब्सटेंस वो बॉयल होना शुरू करे, यानी कि लिक्विड सब्सटेंस वेपर में, गैस की फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू कर दे, उस टेम्परेचर को कहा जाता है बॉइलिंग पॉइंट। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि वाटर जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिक्विड से वेपर की फॉर्म में, गैस की फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू कर देता है। इसके अलावा हमारे पास जो प्योर वाटर हमारे पास जो है वो न्यूट्रल है। हमारे पास जो प्योर वाटर है वो न्यूट्रल है टू द लिटमस पेपर। हमारे पास दो तरह का लिटमस पेपर होता है, एक होता है ब्लू और एक होता है रेड। जो हमारे पास एसिडिक सब्सटेंसेस होते हैं जिनका पीएच 7 से बिलो होता है वो क्या करते हैं? वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करते हैं। जबकि जो बेसिक सब्सटेंसेस होते हैं जिनका पीएच 7 के अबव होता है, जिनका पीएच 7.1 to 14 के दरमियान होता है, वो हमारे पास बेसिक होते हैं, वो क्या करते हैं? वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन जो प्योर वाटर है हमारे पास न्यूट्रल है, यानी कि इनका पीएच 7 होता है, ये लिटमस पेपर को चेंज नहीं करते, ना ये ब्लू को चेंज करेंगे ना ये रेड को चेंज करेंगे। इट डज नॉट चेंज द कलर ऑफ लिटमस पेपर। नेक्स्ट जो वाटर की प्रॉपर्टी है, प्योर वाटर हैज़ मिनिमल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यानी कि जो हमारे पास जो प्योर वाटर हमारे पास पुअर कंडक्टर या फिर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। चूँकि वाटर हमारे पास आयोनाइज नहीं होता, अगर हमारे पास वाटर आयोनाइज होता तो आइंस की फॉर्म में ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता।
चूँकि प्योर वाटर हमारे पास आयोनाइज नहीं होता, इसलिए ये बैड कंडक्टर या फिर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। लेकिन अगर हम वाटर में कोई भी इलेक्ट्रोलाइट, कोई भी सॉल्ट डिजोल्व करेंगे, जैसे कि अगर हम वाटर में NaCl ऐड करेंगे, तो हमारे पास गुड कंडक्टर हो जाएगा और फिर उस सोल्यूशन से हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकेगी। तो प्योर वाटर हमारे पास बैड कंडक्टर है, लेकिन हमारे पास अगर वाटर हमारे पास सोल्यूशन की फॉर्म में है, वाटर में हमारे पास कोई भी सॉल्ट मौजूद है, तो हमारे पास गुड कंडक्टर हो जाता है, फिर उस वाटर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। नेक्स्ट वाटर की जो प्रॉपर्टी हमारे पास हीट कैपेसिटी है। हीट कैपेसिटी क्या होती है? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेस 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री, यानी कि किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री तक इंक्रीज करने के लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर होता है वो हमारे पास हीट कैपेसिटी कहलाता है। वाटर की जो हीट कैपेसिटी है वो बहुत ही ज़्यादा है, यानी कि फॉर एग्जांपल हमारे पास वाटर है जिसका टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री तक इंक्रीज करने के लिए, यानी कि इसको 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक लाने के लिए हमें जो हीट रिक्वायर होगी, जो एनर्जी रिक्वायर होगी, हमारे पास होगी 4.2 जूल पर ग्राम। यानी कि 1 ग्राम ऑफ वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री तक इंक्रीज करने के लिए हमें 4.2 जूल एनर्जी रिक्वायर होती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। यानी कि वाटर की ये प्रॉपर्टी है कि ये बहुत जल्दी हीटअप नहीं होता और ना ही बहुत जल्दी ये कूल होता है, ये ऐसा ऐसा गर्म होता है और ऐसा ऐसा ठंडा होता है। पानी की यही जो प्रॉपर्टी है, वाटर की यही प्रॉपर्टी जो है हमारे पास एक्वेटिक लाइफ के लिए, जो आबी जानदार है, उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास वाटर की जो हमारे पास है सरफेस टेंशन। वाटर का जो सरफेस टेंशन है वो भी बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से हमारे पास जो वाटर मॉलिक्यूल है वो एक दूसरे के साथ अट्रैक्टेड होते हैं, या वो किसी भी सर्फेस पर वो कवर, यानी कि किसी भी सर्फेस जो पे वो रह सकते हैं। सरफेस टेंशन की वजह हमारे पास जो इंसेक्ट्स होते हैं वो वाटर मॉलिक्यूल पे वॉक कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास सरफेस टेंशन की वजह से जो प्लांट्स होते हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, यानी कि वाटर में हमारे पास प्लांट्स हमारे पास क्या करते हैं, वो रूट्स के थ्रू प्लांट वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, वो हमारे पास स्टेम और लीव तक पहुँच जाता है। तो वाटर की कौन सी प्रॉपर्टी की वजह से वाटर जो इतनी ऊंचाई तक मूव कर सकता है, तो हमारे पास वाटर की सरफेस टेंशन होती है। वाटर की सरफेस टेंशन भी बहुत ज़्यादा है। तो स्टूडेंट्स, ये हमने कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर को डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर को डिस्कस करेंगे कि वाटर जो है वो किस तरह से केमिकली रिएक्ट करता है दूसरे सब्सटेंसेस के साथ। शुक्रिया।